हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्लास बॉटल आर्ट करने वाले हैं, तो बहुत ही अमेजिंग इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें बेस कोट के लिए आप चाहें तो इसमें वाइट प्राइमर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेस के लिए स्प्रे पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं वाइट प्राइमर का यूज़ कर रहा हूँ, चाहें तो आप स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि एक बेस तैयार हो जाए जिसपे हम इसमें स्ट्रक्चर बना सकें। तो मैं वाइट प्राइमर का यूज़ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस पर वाइट प्राइमर को अप्लाई कर लिया है। अब पेंसिल से मैं इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ जो डिज़ाइन हमें बनाना है लिपन आर्ट का, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से पहले मैं मिरर रख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो मिरर का जो सेंटर है वहाँ पे जो मुझे पेस्ट करना है तो उसी का ही मैं एक सर्कल बना ले रहा हूँ, जिससे मुझे हेल्प हो जाए साइड से उसके बॉर्डर बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है, तो एक बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। हम ले लेंगे एक OHP सीट और उसके ऊपर हमें मार्कर से जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उसको मैं ड्रॉ कर लूँगा। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद इसको कट कर लेना है। एक स्टेंसिल की तरह हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ताकि हमारे जितने भी जो साइड से सर्कल का शेप आएगा उसमें सारे हमारे जो शेप बनेंगे डिज़ाइन के वो एक जैसे बनेंगे। तो उसको मैं कट करके वहाँ पर यूज़ करूँगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए आपको लगाना है, ये स्टेंसिल बन चुका है हमारा। अब हम साइड में लगाएंगे और उसको पेंसिल से आप उसको फिर से ड्रॉ कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आप पूरे सर्किल को एक सेम लेवल पे आप इसको बना सकते हैं। डिज़ाइन को अब हमने पूरा बना लिया है, अब इस पर हमें क्ले वर्क करना है। तो क्ले हम यूज़ करेंगे फेविक्राइल का मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो कुछ इस तरीके से उसको मिक्स कर लेना है और इसमें हम थोड़ा सा पाउडर का यूज़ करेंगे, जो टेलकम पाउडर कोई भी पाउडर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा चिपचिपापन कम हो जाए और उसको आप अच्छे से रोल कर सकें। तो कुछ इस तरीके से पहले इसको रोल कर लीजिए और फेविक्राइल फेब्रिक ग्लू से मैं इसको चिपकाने वाला हूँ।
तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें कलर कर लिया है। अब कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डेकोर वार्निश, तो उसको पूरे ही बॉटल में हमें अप्लाई करना है। ये ट्रांसपेरेंट वार्निश होती है तो इसमें कलर का कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं पूरी बॉटल में। इसमें ग्लॉस वार्निश हमने कर ली है, तो जिससे देखिए इसमें शाइनिंग भी आ रही है। अब इस पर हमें पेस्ट करने हैं कुछ इस टाइप के मिरर्स। तो फाइनली अभी हमारी डेकोरेशन पूरी हो चुकी है एक लिप्पन आर्ट बॉटल, जो कुछ इस तरीके की हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं घर में आराम से। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इस तरीके के कस्टमाइज आइटम्स मैं काफ़ी ऑर्डर्स भी लेता हूँ, गिफ्ट पर्पस हो या फिर होम डेकोरेशन हो, वो सब कस्टमाइज भी हो जाते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।